ओहो ए ये तो ना जी ना, जीत गया मुंबई, जीत गया चेन्नई। वाह वाह, क्या बात है यार, एमएस धोनी ने बैट शेरा। आज धोनी ने बता दिया कि लौंडा 16 का हो, 17 को, 18 को या किशन टाइप का 16 करोड़ का हो, मेरे बल्ले के नीचे जो भी बॉलर आएगा तो उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। धोनी ने आज 17 रन 5 बॉलों पे मारकर नामुमकिन मैच, नामुमकिन मैच। यानी कि अगर आप ये सोचेंगे यार मुमकिनात मुझे तो नजर नहीं आ रहा था कि आज चेन्नई जो है ना वो क्रॉस कर जाएगा बाउंड्री लाइन को और जीत जाएगा, मगर धोनी ने जब आखिरी 5 बॉलों पे जिस तरह से उन्हें कट को आज लपेटा है वो मतलब कमाल कर दिया। छक्का, फिर वो 2 चौके, फिर चौका, मतलब ऐसी की तैसी। एमएस धोनी ने आखिरी ओवर में जब बैटिंग जब वो फेस करने आए तो 16 रन चाहिए थे 5 गेंदों पर, उन्होंने वो 16 रन पूरे कर दिए उन्हें कट के ओवर में। एंड ही शोड फ्लैशेस ऑफ हिज ओल्ड ब्रिलियंस और ग्रेट इनिंग्स फ्रॉम, ग्रेट लिटिल इनिंग्स फ्रॉम धोनी, बट इट जस्ट मेंट मोर हार्ट ब्रेक फॉर रोहित शर्मा। और बड़ा अफसोस हुआ देख के यार, रोहित शर्मा का मतलब एक तो सर रन्स भी नहीं हो रहे हैं, दूसरे उसकी टीम इतनी बुरी तरह से नीचे आ गई है। मतलब ये वो कप्तान है जिसकी टीम, मतलब जिसकी टीम 5 दफ़ा आईपीएल टाइटल जीती हुई, द मोस्ट बाय एनी टीम इन द आईपीएल। तो चलिए शुरू करते हैं। धोनी यार कमाल है यार, कोई ना कि माही है तो मुमकिन है, माही है तो मुमकिन है। और आप लोग पहले ये गिन के बताइए कौन कितना हारा और कौन कितना जीता। देख लिया 7 स्ट्रेट ना। हाँ यार कमाल है, बताइए जरा यार, एमएस धोनी हाँ? वाह। बट हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और मैं हार के भी जीत गया हूं। मैं तो जीत के भी हार गया। इतना अच्छा मैच अगर मिले देखने को, कोई भी टीम जीते कोई भी हारे, क्या 28 रन एमएस धोनी, मेरे पॉइंट है 206 किया गया। कॉन्फिडेंस था नहीं ज्यादा लोगों को कि क्या एमएस कर पाएंगे या नहीं, बट नो नो नॉट एमएस, नो डाउट जी, नो डाउट धोनी है, मतलब करिश्मे का दूसरा नाम कहूंगा। और जिस तरह का फिनिश किया ना, मतलब कमाल। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी जो है आके थाला थाला कर रहे हैं। वो देखो। ये देखिए सर जडेजा, सर जडेजा ने सर झुका के पूरी कैप निकाल के पूरा ऐसे बैठ हो गए। एमएस धोनी आज जो इन्होंने फील्ड सेट की, नहीं वो तो चलो हर बार होता है, नहीं मैं कह रही हूँ कि वो नथिंग न्यू। देखिए सब कुछ ठीक है, धोनी अगर बल्ले से इस तरह खेलते रहे ना तो चेन्नई अभी भी होप है, चेन्नई की अभी भी होप है। मुझे लगा आप कह रहे हैं कि नहीं, अब खेल की बल्लेबाजी अगर वो करते रहे ना, एमएस को भी अब T20 वर्ल्ड कप के लिए वापस। हाँ एमएस धोनी फॉर वर्ल्ड कप, वो तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ट्वीट कर सकता हूँ, कर दी एमएस धोनी फॉर वर्ल्ड कप क्वेश्चन मार्क। मुझे वो 2011 का रिजवान अदर वो छक्का याद आ गया जो इसने मारा, और 28 साल के बाद वो देखे लटके हुए चेहरे हैं। मुंबई इंडियन वी आर सॉरी फॉर यू, बट माही बल्ले 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 विंटेज धोनी देखने को मिला भैया, और ग्राउंड जो है वो तो जाहिर है लेकिन मुंबई की बहुत सपोर्ट थी, लेकिन जैसी चौका छक्का धोनी के बल्ले से भी निकला तो भाईजान उतना ही शोर मचाया। हिटमैन साहब धोनी है वो, जरा पूछिए बैटिंग कैसे करनी है जनाब। सचिन तेंदुलकर साहब भी खुश हुए, कहने यार मजा आ रहा है, हालांकि आज डैनियल सेम्स मेड द डिफरेंस, रिजवान साहब कमाल की बॉलिंग की है। भाईजान क्या गेम हुआ है, क्या मैच हुआ है, मेरा ख्याल से मुंबई इंडियंस की किस्मत जो है वो दगा दे रही है, वो वफा नहीं कर रही। और ये जीतेंगे नहीं जीतेंगे, आया किस तरह जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, कौन जिताएगा, कौन आसमान से आएगा जो मुंबई इंडियंस को जो है वो एक आधा मैच जिता दे, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। लेकिन मुंबई इंडियंस जो है आज का मैच एक नजर में जीत रही थी, जीता हुआ मैच जो है कन्वर्ट हो गया उनकी हार में, और थैंक्स टू महेंद्र सिंह धोनी। और धोनी ने बता दिया है के ओल्ड इज गोल्ड, मैं अभी भी जिंदा हूं और मैं कहीं भी नहीं गया हूं, मैं मौजूद हूं, जब भी दिल चाहे आवाज देकर पुकार लो,
तो पुकारा आज चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी को, और महेंद्र सिंह धोनी ने मैच को फिनिश कर दिया। बहुत ही पैथेटिक क्रिकेट भी हुई इस मैच में, बॉलिंग में बहुत अच्छी बॉलिंग की गई दोनों तरफ से। मुकेश चौधरी का तो शायद अब महल बन जाएगा, छुट्टी वुट्टी तो एक तरफ हो गई, जिस तरह की उसने अर्ली ऑन बॉलिंग की चेन्नई के लिए, आई थिंक उसी ने टोन सेट की कि इस विकेट पे 150 155 होंगे या 175 180 होंगे, क्योंकि एक बार फिर वो आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा और आउट ऑफ फॉर्म ईशान किशन को खा गया। और दैट वॉज सम डिलीवरी फॉर ईशान किशन के यार, जो उसने नए बॉल से यॉर्कर करा दी, कमाल का प्रदर्शन, कमाल का वो। और सातवां एल मिला है, यानी सातवीं शिकस्त मिली है मुंबई इंडियंस को। मैं तो हैरान हूं, परेशान हूं कि ये पूरे साल जो है वो पेपर पर क्रिकेट खेलते रहते हैं, अब क्या इंडिया में बैठकर ये बातें भी होंगी कि सात मैच से रोहित शर्मा हार रहा है, सात मैच से रोहित शर्मा ने कुछ नहीं किया, सात मैच से रोहित शर्मा ने रन भी नहीं किया, उसकी टीम भी हार रही है। अब इनके पास उस तरह की तबाही बॉलिंग लाइनअप नहीं है मां सिवाय बुमराह के, तो ये कोई अनोनी कोई हीरोइक्स नहीं कर रहे। आप देखें आखिरी ओवर में, दो ओवर में 30 रन चाहिए थे, 28 रन वो भी इनके गले पड़ गए, वहां से भी ये मैच हार गए। तो भाई ये कौन सा मैच जीतेंगे।